एयरबस और बोइंग को विमानों के लिए रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर देने वाली एयरलाइनों के बाद भारतीय विमानन उद्योग के और तेजी से पंख फैलाने की उम्मीद बढ़ी है। विमानन सलाहकार और अनुसंधान फर्म CAPA इंडिया का अनुमान है कि 2024 तक 150 से 175 नए विमान देश में आएंगे और उन्हें उड़ानों के लिए 1800 से 2000 पायलटों की जरूरत होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग स्कूल रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी ने भारत में कॉम्प्रिहेंसिव कैडेट पायलट प्रोग्राम के तहत सिंगापुर के एविएशन सेफ्टी एंड ट्रेनिंग के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम बनाया है। टुडे व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, पीपल आर डूइंग देयर CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड देन इट्स अप टू देम व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे कैन गो अहेड। Now, with the agreement with the Singapore company, what happens if some students wants to do a complete program with endorsement for Airbus 320 or 737, they can be given an entire package where they can do the CPL training in India at one of the facilities of Redbird, and then they can do the simulator or endorsement that is called in the Singapore facilities. Redbird Aviation ki sthapna 3 saal pehle hui thi. फिलहाल इनके पास 40 ब्रांड नए ट्रेनर विमानों का बेड़ा है और ये 7 हवाई अड्डों से संचालित होते हैं। उनकी योजना है कि आने वाले समय में ये अपने बेड़े को 60 ट्रेनर विमानों तक ले जाएं, जिन्हें 10 हवाई अड्डों से संचालित किया जाए। We have fantastic training programs. We have really corporatized it. We brought it into a very, very professional structure wherein we have a commitment. Our student will leave us in less than a year's time completing his training. In comparison, other flying schools take 1 year, 2 years, 3 years because of the limitations that they have. So we really commit to our students that we will get them on into the cockpit as soon as possible. आने वाले दिनों में पायलटों की मांग बढ़ने पर उनको मिलने वाली सैलरी में भी इजाफा देने की उम्मीद है। ये सैलरीज ऑफ पायलट्स हैव बिकम ह्यूज। वी आर टॉकिंग ऑफ 1.5 टू 2.5 फॉर अ को पायलट एंड वी आर टॉकिंग ऑफ 5-6 लाइक अपवर्ड्स फॉर अ कमांडर। सो द प्रोस्पेक्ट्स आर गुड, द पोटेंशियल इज गुड, इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री टू बी इन एंड आई थिंक रेडबर्ड इज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। भारत में वर्तमान में 9000 पायलट हैं जो 700 विमान उड़ाते हैं। देश में DGCA से पास 35 फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान हैं जो देश भर में 53 हवाई अड्डों से संचालित होते हैं।